नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से जुड़े प्रश्नों पर बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो क्वेश्चंस पूछे गए उनका सही आंसर क्या है और उनका एक्सप्लेनेशन, उनकी व्याख्या क्या है। इस बार इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन से 16 सवाल 16 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और वो मेरे हिसाब से मॉडरेट टू एवरेज लेवल ऑफ डिफिकल्टी के हैं, यानी क्वेश्चंस उतने ज्यादा कठिन नहीं है जितने ज्यादा ट्रिकी है। आपको प्रश्नों में उलझा लेने की क्षमता है। द क्वेश्चंस आर ट्राइंग टू कंफ्यूज यू इन सच अ मैनर so that you are not able to identify the correct answer in the multiple choice questions। जैसे इस बार उन्होंने ये नहीं पूछा कि अगर स्टेटमेंट 1, 2, 3 दिए हैं तो इसमें से 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, या तीनों सही हैं, या 1 या 2 सही हैं, बल्कि ये कह दिया है कि out of the 3, 4, 5 statements, how many are correct, not which are correct। यानी कौन कौन से कथन सही हैं ये नहीं पूछा है, कितने सही हैं ये पूछा है। तो कई हमारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूजन में आ गए कि उन्होंने सवाल को सही ढंग से समझा नहीं, पढ़ा नहीं और उसको जो प्रॉपर एनालिसिस और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी उसमें थोड़ी गलतियां हो गई। आइए एक एक करके देखते हैं। इन एसेंस, व्हाट डज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बी? द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, the procedure established by law, fair application of law and equality before law। यानी कि सारभूत रूप में विधि की सम्यक प्रक्रिया का अभिप्राय क्या है? नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत, विधि द्वारा स्थापित पद्धति, विधि की निष्पक्ष प्रयुक्ति और विधि के समक्ष समता। तो इसका आंसर तो क्लियर है, इसमें कहीं कोई इफ एंड बट कोई डाउट नहीं है। फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, सी इज द करेक्ट आंसर। जैसा कि आप जानते हैं कि जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है इसको यूएसए में फॉलो किया जाता है, हमारे यहां भारत में प्रोसीडियर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जैसा ब्रिटेन में था वैसे फॉलो किया जा रहा था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजमेंट्स में हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी फॉलो कर रहे हैं। तो इसका मतलब होता है फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, विधि की निष्पक्ष प्रयुक्ति। कंसीडर द स्टेटमेंट, In India, prisons are managed by state governments with their own rules and regulations for the day-to-day administration of prisons. Statement 2, in India, prisons are governed by the Prisons Act 1894, which expressly kept the subject of prisons in the control of provincial governments. यानि दो कथन दिए गए हैं। भारत में दैनंदिन जेल प्रशासन के लिए जेलों का अनुरक्षण राज्य सरकारें अपने नियमों और विनियमों से करती हैं, और दूसरा कथन है भारत में जेल का नियंत्रण जेल अधिनियम 1894 द्वारा किया जाता है, जिससे जेल का विषय स्पष्ट रूप से प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण में रहा है। अब अगर हम इस स्टेटमेंट की बात करें तो ये दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही हैं, लेकिन स्टेटमेंट 2 डज नॉट एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। जो दूसरा कथन है वो प्रथम कथन की व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में प्रिजन, जेल या कारागार स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की 7th स्केड्यूल में स्टेट लिस्ट 2nd लिस्ट दी गई है उसमें प्रिजन दिया गया है। लेकिन इसलिए नहीं दिया गया है कि वो प्रिजन्स एक्ट 1894 में है, बल्कि प्रिजन्स एक्ट 1894 ये जुड़ा है कि प्रिजनर्स के लिए क्या क्या प्रोविजंस होने चाहिए, उनके फूडिंग, उनके अकोमोडेशन, उनको एक दूसरे से सेपरेशन में रखना, उनको कन्फाइनमेंट आइसोलेशन में रखना, उनको रूल्स रेगुलेशंस और डिसिप्लिन में रखना, ये तमाम कायदे कानून 1894 के प्रिजन्स एक्ट में हैं। तो इसका आंसर होगा बी, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। Which one of the following statements best reflects the chief purpose of the constitution of a country? संविधान के मुख्य प्रयोजन को सर्वोत्तम रूप से
प्रतिबिंबित करता है। अब अगर आप इसमें जितने भी चॉइसेस आप देखेंगे चारों सही हैं, लेकिन प्रीलिम्स के एग्जाम में हमें सिर्फ करेक्ट आंसर नहीं चुनना है, वी हैव टू सिलेक्ट द मोस्ट प्रिसाइज, मोस्ट एक्यूरेट एंड मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। हमको सर्वाधिक युक्तियुक्त, विधियुक्त और सर्वाधिक सटीक उत्तर चुनना है, तो इसका आंसर होगा सी, इट डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट। यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है। हालांकि ये चारों भी अपने आप में सही हैं, लेकिन इनमें से कोई एक अगर चुनना हो तो हमको सी चुनना होगा। इज दैट वेरी क्लियर? इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स वाज वाइडली बिलीव टू बी इनएक्टेड टू ओवरकम द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। भारत में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के लिए व्यापक रूप से माना गया है कि उसे मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या को अधिभूत करने के लिए अधिनियमित किया गया? तो अगर आप देखें तो फर्स्ट अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, 86th अमेंडमेंट, यानी पहला संशोधन, 42वां, 44वां और 86वां, इन सब में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फंडामेंटल राइट से जुड़े प्रोविजन किए गए हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप पहला संशोधन इसकी बात करें तो चंपकई दोराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1951, इस फैसले के बाद फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 आया था, और उसमें आर्टिकल 15 और आर्टिकल 19 से जुड़े जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो अफेक्टेड थे। सरकार ने जमींदारी एबॉलिशन और लैंड रिफॉर्म्स एक्ट पास किया था, जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार कानून, और फर्स्ट अमेंडमेंट से एक नया स्केड्यूल 9th जोड़ा गया और दो नए आर्टिकल 31A और 31B जोड़े गए, और उसमें बहुत सारी पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स के बारे में, राइट टू प्रॉपर्टी वगैरह के बारे में थी, उनको चेंज किया गया। लेकिन इन चारों में से अगर किसी एक को चुनना हो तो 42nd अमेंडमेंट इसका सबसे सही आंसर होगा, विच इज ऑल्सो नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच गेव द इमेंस अमाउंट ऑफ अथॉरिटी टू द पार्लियामेंट टू चेंज एनीथिंग और एवरीथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग प्रीएम्बल एंड फंडामेंटल राइट्स। इस संशोधन ने सरकार को वो सारे अधिकार संसद को प्रदान कर दिए कि वो कोई भी कानून बना सकती है, संविधान में संशोधन कर सकती है, प्रस्तावना और मौलिक अधिकारों में बदलाव कर सकती है। अगर आपको याद हो तो एक केशवानंद भारती जजमेंट में, जो कि 24 अप्रैल 1973 को आया था, और इसमें 13 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, 13 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने, संवैधानिक पीठ ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला 7:6 के रेशियो से दिया था, जिसमें मेजॉरिटी व्यू 7 जजेस का और एक जज कम पड़ रहे थे, माइनॉरिटी व्यू 6 जजेस का था, डिसेंट ओपिनियन 6 जजेस की थी, एक एक्स्ट्रा मेजॉरिटी 7 को मिली, और डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इसका सिद्धांत सामने रखा गया, बुनियादी ढांचे का सिद्धांत। और इस तरह से बुनियादी ढांचे का सिद्धांत आया 24 अप्रैल 1973 के केशवानंद भारती निर्णय में, और उसके बाद 42nd अमेंडमेंट आया 1976 में, जिसमें बहुत सारे प्रोविजंस फंडामेंटल राइट्स से जुड़े हुए, जो जुडिशरी के इंटरप्रिटेशंस थे, जो न्यायपालिका की व्याख्या थी, उसको बदल दिया गया। तो इसलिए सबसे सही आंसर, क्लोजेस्ट आंसर है बी, 42nd अमेंडमेंट। कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस बॉडीज इन इंडिया, द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, यानी निम्नलिखित संगठनों पर विचार कीजिए, ये जो संगठन के नाम दिए गए हैं इनमें से कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन है, ये पूछा गया। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, संवैधानिक संस्थाएं। संवैधानिक संस्थाएं किसे कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज उन्हें कहते हैं जिनका कॉन्स्टिट्यूशन में ही प्रोविजन दिया गया हो, संविधान में ही प्रावधान किया गया हो। तो अंडर आर्टिकल 338 नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन नहीं है, नेशनल लॉ कमीशन, ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, संवैधानिक संस्था है, जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक्ट से बनी है।
नेशनल लॉ कमीशन ये सरकार के नोटिफिकेशन से बनाया जाता है, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एक्ट ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के द्वारा बनाया हुआ है। तो केवल एक नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, एक यही आपका सही उत्तर है जो कि आर्टिकल 338 में और हंड्रेड सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 से दिया गया। इसमें तीन स्टेटमेंट्स हैं, इफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑल एक्ट्स डन बाय हिम हर इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज ऑफ हिज हर ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट बिफोर द डेट ऑफ डिसीजन बिकम्स इनवैलिड, इट इज रॉन्ग। Election for the post of the President of India can be postponed on the ground that some legislative assemblies have been dissolved and elections are yet to take place. It is also wrong. When a bill is presented to the President of India, the Constitution prescribes time limits within which he/she has to declare his/her assent. It is also wrong. How many of the statements are correct? So, iska answer hoga none. D. Koi bhi nahi. यानी कि अगर भारत सरकार में राष्ट्रपति को संसद में महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जाता है तो उसके पहले जो भी काम उन्होंने किए हैं वो वैलिड बने रहेंगे। दूसरी बात, अगर आप अंडर आर्टिकल 143 जिसको हम एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, उसमें अगर बात करें तो एक रेफरेंस है जिसको प्रेसिडेंशियल पोल रेफरेंस कहते हैं, प्रेसिडेंशियल पोल रेफरेंस यानी कि राष्ट्रपति चुनाव संदर्भ, और राष्ट्रपति चुनाव संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि अगर किन्हीं भी 2, 3, 4, 5 स्टेट असेंबलीज मौजूदा वक्त में नहीं है, डिसॉल्व चल रही है और प्रेसिडेंट का इलेक्शन नोटिफाइड है, शेड्यूल्ड है, टाइम पर उसका इलेक्शन होना है, क्योंकि यह संवैधानिक बाध्यता है, इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली बाइंडिंग कि प्रेसिडेंट के 5 साल का कार्यकाल खत्म होने के पहले, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ 5 years ऑफ द प्रेसिडेंट, न्यू प्रेसिडेंट मस्ट बी इलेक्टेड। सो ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, तो इसमें उत्तर होगा कोई भी नहीं। डी, नाउ व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट्स फाइनेंस बिल टू द राज्यसभा इट कैन अमेंड और रिजेक्ट द बिल, करेक्ट। व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट्स मनी बिल टू द राज्यसभा इट कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट द बिल, इट कैन ओनली मेक रिकमेंडेशंस, करेक्ट। इन द केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द लोकसभा एंड द राज्यसभा देयर इज नो ज्वाइंट सिटिंग फॉर मनी बिल बट अ ज्वाइंट सिटिंग बिकम्स नेसेसरी फॉर फाइनेंस बिल, करेक्ट। So how many of the above statements are correct? All the 3. यानी कि इस प्रश्न में तीनों कथन सही हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बिल जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, विधेयक जिनको हम कहते हैं, और ये 2 प्रकार के जो विधेयक होते हैं इसमें एक होता है ऑर्डिनरी बिल, एक होता है मनी बिल। ऑर्डिनरी बिल के लिए अंडर आर्टिकल 107 और 108 और मनी बिल के लिए अंडर आर्टिकल 109 और 110 में प्रोविजंस किए गए। और कोई बिल मनी बिल है कि नहीं उसको स्पीकर सर्टिफाई करते, स्पीकर का सर्टिफिकेशन जरूरी है, लोकसभा के अध्यक्ष का प्रमाण पत्र चाहिए। और फाइनेंस बिल के लिए जो प्रोविजन है वो अंडर आर्टिकल 117 है, 117 में। अब फाइनेंस बिल जब प्रेजेंट होता है तो स्पीकर इसको 2 तरह की कैटेगरी में रख सकते हैं, फाइनेंस बिल वित्त विधेयक आइदर एज क्लास 1 और ए कैटेगरी, क्लास 2 और बी कैटेगरी, 2 तरह का हो सकता है। अगर स्पीकर ने सर्टिफाई दे दिया, सर्टिफिकेशन दे दिया, प्रमाणित कर दिया कि ये वित्त विधेयक फाइनेंस बिल ए कैटेगरी का है,
क्लास वन कैटेगरी है तो उसे मनी बिल की तरह ट्रीट किया जाएगा। और अगर कह दिया कि यह वित्त विधेयक फाइनेंस बिल बी कैटेगरी का है यानी कि सेकंड क्लास में आता है तो उसे ऑर्डिनरी बिल की तरह ट्रीट किया जाएगा। और आपको पता है कि मैंने ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंस बिल और मनी बिल के बारे में आपको टेबुलेशन से क्लास में सारे एक तालिका बनाकर अंतर समझाया था और यह कहा था कि अगर ऑर्डिनरी बिल पेश होगा और 6 महीने तक राज्यसभा या लोकसभा किसी से पास हो जाता है और दूसरा सदन उसको पास नहीं करता तो डेडलॉक की सिचुएशन होती है। डेडलॉक की सिचुएशन में प्रेसिडेंट दोनों सेशन की ज्वाइंट मीटिंग, दोनों हाउस की ज्वाइंट मीटिंग बुलाते हैं। लेकिन मनी बिल के बारे में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है क्योंकि मनी बिल लोकसभा में पास होने के बाद जब राज्यसभा के पास जाता है तो राज्यसभा के पास केवल और केवल इतना अधिकार है कि वो अपनी कुछ रिकमेंडेशंस लोकसभा को दे सकती है, लोकसभा उसे मान भी सकती है नहीं भी मान सकती है। और 14 दिन के अंदर अगर राज्यसभा ने उसे पास नहीं किया तो राज्यसभा से मनी बिल को अपने आप पास मान लिया जाएगा और इसलिए उसमें ज्वाइंट सेशन का ज्वाइंट मीटिंग का या डेडलॉक होने का कोई क्वेश्चन ही नहीं होता है। इसलिए आपका उत्तर होगा ऑल द थ्री। विद इन रेफरेंस टू शेड्यूल एरियाज इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। विद इन अ स्टेट इन नोटिफिकेशन ऑफ एन एरिया एज शेड्यूल एरिया टेक्स प्लेस थ्रू एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। करेक्ट। द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फॉर्मिंग द शेड्यूल्ड एरिया इज द डिस्ट्रिक्ट एंड द लोएस्ट इज द क्लस्टर ऑफ विलेजेस इन द ब्लॉक। करेक्ट। द चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न स्टेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट्स टू द यूनियन होम मिनिस्ट्री ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज इन द स्टेट। नो, इट इज नॉट द चीफ मिनिस्टर बट इट इज द गवर्नर ऑफ द स्टेट। सो हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? सो 1 and 2, सो ओनली 2। बी इज द करेक्ट आंसर। किसी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र के अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचना, बिल्कुल सही बात है कि राष्ट्रपति जारी करते हैं, यह सही है। इसके लिए भी नियम कायदा कानून मैंने जब आपको शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 बहुत विस्तार से पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि किसे हम शेड्यूल एरिया कह सकते हैं, प्रेसिडेंट उसको नोटिफाई करते हैं। और यह भी मैंने आपको बताया था कि एक साइजेबल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होनी चाहिए, विलेज, ब्लॉक, तालुका, डिस्ट्रिक्ट, जिसके आधार पर हम इसको बना सकें कि ये गांव हो, कस्बा हो, खंड हो या जिला हो। तो ये दोनों सही हैं। और संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं बल्कि राज्यपाल से अपेक्षित है कि ये राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के, तो इसलिए उत्तर होगा केवल 2। The Supreme Court of India has held in some judgments that the reservation policies made under Article 16(4) of the Constitution of India would be limited by Article 335 for maintenance of efficiency of administration. Correct. Article 335 of the Constitution of India defines the term efficiency of administration. This is incorrect. यानी भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने कतिपय निर्णयों में यह विचारण किया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अधीन बनाई गई आरक्षण नीतियां प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 335 द्वारा सीमित होंगी। यह बात सही है लेकिन अनुच्छेद 335 में प्रशासन की दक्षता को परिभाषित नहीं किया गया। अंडर आर्टिकल 335 एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट डिफाइंड, इट इज ओनली मेंशनड दैट रिजर्वेशन शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज द एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सो इट इज ओनली मेंशनड एंड सेड अंडर आर्टिकल 335 दैट द रिजर्वेशन शुड नॉट अंडरमाइन और सेक्रीफाइस एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। बट व्हाट इज एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज नॉट डिफाइंड। तो यह परिभाषित नहीं है, केवल उसका वर्णन किया गया है के प्रशासनिक कार्यकुशलता पर प्रभाव नहीं होना चाहिए। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो इसका आंसर होगा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, सी।
By which one of the following acts was the Governor General of Bengal designated as the Governor General of India? ये बहुत clear question है, इसको अगर आप जानते हैं, आपने पढ़ा है, आपको याद है, तो ये clear है, आप कर लेंगे. और जब मैंने अभी पिछले कुछ समय पहले History of Constitutional Development in India आपको General Studies के class में पढ़ाया था, तो उसमें साफ साफ बताया था कि the Charter Act of 1833 के जो salient features थे, उसमें एक ये भी था कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ये डेजिग्नेशन, ये पदनाम दिया गया. और लॉर्ड विलियम बेंटिंक पहले गवर्नर जनरल इस एक्ट के तहत बनाए गए. सो द करेक्ट आंसर इज डी. According to the Constitution of India, the central government has a duty to protect states from internal disturbances. Correct, it is under Article 355. The Constitution of India exempts the states from providing legal counsel to a person being held for preventive detention. It is wrong. According to the Prevention of Terrorism Act 2002, confession of the accused before the police cannot be used as evidence. It is also wrong. So the correct answer is only one, A. यानी भारत के संविधान के अनुसार केंद्र सरकार का एक दायित्व है कि वह राज्यों को आंतरिक विक्षोभों से बचाए. तो यह अनुच्छेद 355 में यह कहा गया है. बिल्कुल ठीक बात है. भारत का संविधान राज्यों को निवारक निरोध में रखे जा रहे किसी व्यक्ति को विधिक काउंसिल उपलब्ध कराने से छूट प्रदान करता है. नहीं, ऐसा नहीं. अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी है तो भारत सरकार की यह जिम्मेदारी है कि अगर उसके पास अपना काउंसिल, अपना एडवोकेट नहीं है, तो जो हमारी लीगल सेल और लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, जो जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सभी लेवल पर काम करती है, उनको लीगल काउंसिल उपलब्ध कराई जाती है. तो इसलिए ऐसा कहना कि उपलब्ध कराने से छूट प्रदान करता है, यह गलत होगा. और आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002, यानी ये पोटा की बात हो रही है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002, ये पोटा 2002 में लागू हुआ लेकिन 2004 में खत्म हो गया. और इसके बाद इस समय यूएपीए चल रहा है. यूएपीए का मतलब है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट. लेकिन यूएपीए के बारे में नहीं, यह पूछा गया है 2002 के पोटा के बारे में. तो उसमें यह प्रोविजन किया गया था कि अगर डिप्टी एसपी या एसीपी रैंक या उससे ऊपर के किसी अधिकारी के समक्ष कोई बयान दर्ज किया गया है तो उसका एविडेंस के रूप में मूल्य और महत्व लॉ में माना जाएगा, उसको एक्सेप्ट किया जाएगा. हालांकि आज की तारीख में अब पोटो जो ऑर्डिनेंस के रूप में, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे उस समय ये ऑर्डिनेंस आया था और 2004 में ये एक्ट बना. लेकिन उसके बाद जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार 2004 में बनी तो उन्होंने प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 को खत्म कर दिया. और मौजूदा वक्त में इस समय यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है, इसके तहत काम हो रहा है. तो उसमें यह प्रोविजन था कि सीओ, डिप्टी एसपी, एडिशनल कमिश्नर पुलिस, इक्विवेलेंट या उससे सीनियर ऑफिसर्स के सामने अगर कोई बयान दिया जाता है तो उसको कोर्ट ऑफ लॉ में बतौर एविडेंस एक्सेप्ट किया जाएगा, स्वीकार किया जाएगा. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. द मेंबर्स नॉमिनेटेड टू आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स आर ऑल्सो एलिजिबल टू बी इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल कॉलेज. नो, रॉन्ग. Higher the number of elective assembly seats, higher is the value of vote of each MLA of state. Right. The value of vote of each MLA of Madhya Pradesh is greater than that of Kerala. ये गलत है. अगर हम इसकी बात करें तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि अगर हम इसकी बात करें तो आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश में 131 और केरल में अगर हम बात करें तो 152.
ये एमएलए की वोट वैल्यू है, एमएलए की वोट वैल्यू मध्य प्रदेश में 131 और केरल में 152 है, तो यह भी स्टेटमेंट गलत है। द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ पुडुचेरी इज हायर देन दैट ऑफ अरुणाचल प्रदेश बिकॉज द रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्टिव सीट्स इन पुडुचेरी इज ग्रेटर एज कंपेयर टू अरुणाचल प्रदेश। तो इसका उत्तर होगा बी, केवल दो, ओनली टू। जैसा कि आपको मैंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में बताया था कि एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले के बेसिस पर पहले राज्य की जनसंख्या के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ द सेंसस ऑफ द स्टेट एंड दैट सेंसस शुड बी ऑफ द ईयर 1971, 1971 की जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार ये गणना की जाती है, जिसका फॉर्मूला ये होता है एमएलए की अगर वोट वैल्यू काउंट करनी है तो फॉर्मूला इसके लिए है पॉपुलेशन ऑफ स्टेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलए, और ये पॉपुलेशन ऑफ स्टेट होना चाहिए 1971 into 1000। इस फॉर्मूले के बेसिस पर पहले एमएलए और फिर एमएलए के बाद एमपी की वोट वैल्यू निकाली जाती है, उसका भी एक फॉर्मूला है सम टोटल ऑफ द वोट वैल्यू ऑफ ऑल द एमएलए ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज, यानी कि सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल योग बटे सभी निर्वाचित सांसदों की संख्या। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो आप क्लियर हो जाएंगे कि पुडुचेरी में 16 और अरुणाचल प्रदेश में 8, 08, तो यह आंसर होता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इसी तरीके से फिर देखना है, वन ऑफ द स्टैंडर्ड साइजेस ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज 600 मिलीमीटर इंटू 400 मिलीमीटर, रॉन्ग, द रेशियो ऑफ द लेंथ टू द हाइट ऑफ द फ्लैग शैल बी 3:2, बिल्कुल सही बात है, ये भी आपको क्लास में मैंने बताया है, बल्कि जब मैं नेशनल एम्बलम्स और आपको ये बताता हूँ कि हमारे देश के जो नेशनल एम्बलम्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, तो मैंने बताया कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है ये 3:2 के ऑप्शन के अनुपात में होना चाहिए, यानी कि जो लंबाई है वो 3 और चौड़ाई 2 के अनुपात में होनी चाहिए, और इसमें फिर ये 3 रंग होते हैं, ये सारी चीजें आपको मैंने बताई थी। तो इसमें आंसर होगा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, बी। द कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर एवरी ईयर टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज अमंग सिटीजंस, करेक्ट। On 26 November 1949, the Constituent Assembly of India set up a drafting committee under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar to prepare a draft Constitution of India. It is incorrect. तो 26 नवंबर को आपको पता है हमारे संविधान सभा ने हमारे देश के संविधान को स्वीकार किया, we had adopted the Constitution, लेकिन इस दिन संविधान सभा ने प्रारूप समिति नहीं बनाई Dr. B.R. Ambedkar, ये तो पहले ही बन चुकी थी और उसी ने ड्राफ्ट करके फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन को कंसोलिडेटेड सिंगल डॉक्यूमेंट के रूप में फाइनलाइज किया। तो कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है, सी इज द करेक्ट आंसर। होम गार्ड्स आर रेज्ड अंडर द होम गार्ड्स एक्ट एंड रूल्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, इट इज इनकरेक्ट, क्योंकि होम गार्ड्स एक्ट it is related to state and union territories and there are different rules also, to khali ye kendra sarkar nahi balki rajya sarkar bhi banate hain, the role of the home guard is to serve as an auxiliary force to the police in maintenance of internal security, correct, home guard ki bhumika aantarik suraksha banaye rakhne mein police ko sahayak bal ke roop mein seva dene ki hai, sahi baat hai, aur home guard ko होमगार्ड अधिनियम और केंद्र सरकार के नियमों के अधीन समुत्पादित किया जाता है, नहीं, इसमें केंद्र, राज्य और संघ शासित क्षेत्र
ये तीनों आते हैं टू प्रिवेंट इन्फिल्ट्रेशन ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर कोस्टल एरियाज द बॉर्डर विंग होम गार्ड्स बटालियंस हैव बीन रेज्ड इन सम स्टेट्स यस इट इज ट्रू अभी हाल में कुछ राज्यों में जैसे पंजाब है और हमारे जो कोस्टल बेल्ट है जो हमारी तटीय सीमा से जुड़े हुए राज्य हैं उनमें होमगार्ड्स की ये बॉर्डर विंग बनाई गई है तो ये भी सही है तो हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट टू बी टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स अनऑथराइज्ड वेयरिंग ऑफ पुलिस और मिलिट्री यूनिफॉर्म्स The Official Secrets Act 1923, correct. Knowingly misleading or otherwise interfering with a police officer or military officer when engaged in their duties. The Indian Evidence Act 1872, no. It is also given in the Official Secrets Act 1923. ये जो है provision भी इसी में दिया गया है. तो ये sentence statement गलत है. Celebratory gunfire, the arms amendment which can endanger Amendment Act 2019, the personal safety of others, correct. तो अनधिकृत रूप से पुलिस या सेना की वर्दी को पहनना यह शासकीय गुप्त अधिनियम 1923 में आता है सही है किसी पुलिस अधिकारी या सैनिक अधिकारी के ड्यूटी में तैनात होने के दौरान जानबूझकर उन्हें गुमराह करना या अनथा करना उनके साथ हस्तक्षेप करना ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम में नहीं आता ये भी इसी में आता है तो ये गलत है और ये स्टेटमेंट ये कथन भी सही है तो बी तो इस तरह से अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में मॉडरेट टू एवरेज लेवल ऑफ डिफिकल्टी के क्वेश्चंस थे और ज्यादातर कंसेप्चुअल क्लैरिटी की ये क्वेश्चंस डिमांड करते हैं अगर आप रेगुलर क्लास कर रहे हैं अपने सब्जेक्ट को अपने टॉपिक को समझ रहे हैं तो आप आसानी से प्रिलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं लेकिन ये तय बात है कि अगर आप प्रिलिम्स की तैयारी भी मेंस एग्जामिनेशन को अपना बेसिस अपना फोकस अपना फाउंडेशन बना करके उसी कंसेप्चुअल क्लैरिटी और एनालिसिस के साथ नहीं तैयार कर रहे हैं तो प्रीलिम्स भी नहीं निकलेगा अदरवाइज यूपीएससी इज अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड एग्जामिनेशन फॉर सिविल सर्विसेज इट नीड्स बेटर प्लानिंग राइट स्ट्रेटेजी एंड होल लॉट ऑफ हार्डवर्क पेशेंस परसिवरेंस एंड प्रेजेंटेशन और इसके लिए किसी पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट को भी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं ये काम आप अपने पर अपने घर पर भी रहकर कर सकते हैं लेकिन इसमें गाइडेंस की जरूरत पड़ती है इसमें मेंटोरिंग की जरूरत पड़ती है क्योंकि जो कुछ हमारे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस एजुकेशन सिस्टम में आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ा है जो अब तक आपका पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन रहा है अब तक जो सवाल पूछने का एग्जामिनेशन में होम एग्जाम में यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में स्कूल्स में तरीका रहा है उसमें जिस तरीके से आपके पास कुछ डिफाइंड किताबें होती हैं उनमें से कुछ क्लास नोट्स में आपको जो टीचर्स क्लास में पढ़ाते हैं उसके बेसिस पर आप जो भी आंसर में ए कॉपी बी कॉपी सी कॉपी डी कॉपी भरते चले जाते हैं यहां ऐसा नहीं यूपीएससी के एग्जाम में आपके पास वर्ड लिमिट है टाइम लिमिट है और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल लेवल पर चाहे बहुत जीनियस स्टूडेंट हो इंटेलिजेंट हो टॉपर हो 95-90% 80% 100% नंबर ला रहे हो या कोई स्टूडेंट बिलो एवरेज है किसी तरह से पास हो रहा है लेकिन बाद में उसने अच्छे तरीके से मेहनत किया और साल दो साल कठोर तप तपस्या परिश्रम विद हार्ड वर्क लॉट ऑफ डेडिकेशन अनडिवाइडेड अटेंशन वी हैव ऑब्जर्व दैट द स्टूडेंट गेट सक्सेस दोज हु वर्क सो योर इंटेलिजेंस विल नॉट पे यू अनलेस अंटिल देयर इज डिलिजेंस देयर इज हार्ड
तो वो आपको एक सही गाइडेंस मिले, एक सही डायरेक्शन मिले, वो आपके घर में आपके माँ बाप, आपके माता पिता, आपके गुरुजन, आपके शिक्षक, आपके बड़े भाई बहन, आपके आस पड़ोस, आपके टीचर्स कोई भी हो सकते हैं, लेकिन हाँ वो जो भी आपको गाइडेंस देने वाले हों, वो आपके फैमिली मेंबर्स हों, आपके टीचर्स हों, आपके अक्वेंटेंसेस हों, गाइडेंस वही दे सकते हैं जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के प्रोसेस से लगातार जुड़े हैं। अगर किसी ने आज से 10 साल 15 साल पहले यूपीएससी क्वालिफाई किया और वो आईएएस है भी प्रॉपर, और आज 15 साल की सर्विस के बाद वो कमिश्नर रैंक पर है, तो जरूरी नहीं कि आज के बदले हुए सिलेबस के हिसाब से, पैटर्न में जो चेंजेस आए हैं उसके हिसाब से, जिस तरीके से क्वेश्चन आंसर पूछे जा रहे हैं उसके हिसाब से वो आपको गाइड कर पाए। पर इसलिए आपको एक प्रोफेशनल गाइडेंस की जरूरत होती है जो आप खुद से भी कर सकते हैं। सो ऑल माय गुड विशेस, बेस्ट ऑफ लक टू यू, डोंट गेट डिसहार्टेंड। इफ यू फाइंड योरसेल्फ लिटिल बिट लैगिंग इन यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2023, कीप वर्किंग हार्ड, कीप वॉकिंग unless and until you achieve your goal. Stop not till you achieve your goal. आप जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर रहे हैं, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लगातार प्रयास करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।